नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 10वीं क्लास की वर्कशीट को। थोड़ी सी वर्कशीट आज की लेट हो गई है, क्योंकि वर्कशीट सुबह आई ही लेट, फिर एक एक करके अब सभी क्लास की वर्कशीट अपलोड करी है। तो अब आपका नंबर आया 10th क्लास हिंदी मीडियम का, तो क्षमा है, खेद है इस बात का बहुत कि लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। शुरू करते हैं, आज की वर्कशीट है जैव प्रक्रम के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे मानव शरीर का वहन तंत्र किस प्रकार का होता है। वहन का मतलब क्या होता है बच्चों? वहन का मतलब होता है चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप जानते हैं, दिल्ली में तो कोई खेत है नहीं, तो दिल्ली में तो फसल उगती नहीं है, लेकिन फसल तो दिल्ली में खाई जाती है। तो जो खाई जाती है, वो उसका जो कारण है वो ये है कि जगह जगह जहाँ भी दिल्ली में फसल उगती है, वो दिल्ली मतलब दिल्ली के बाहर जहाँ जहाँ उगती है, वहाँ से ट्रक से दिल्ली में लाई जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जो खून है, जो हमारा रुधिर है, रक्त है, वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो देखिए, अन्य बहुकोशिकीय जीवों की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि की अनियमित पूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य एक संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है, और यह तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए उत्तरदायी है। मानव संवहन तंत्र जो होता है, उसमें तीन हिस्से होते हैं मेरे बच्चों, हृदय, रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर व लसिका। हृदय जो होता है, ये एक पेशीय अंग है, यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में चार कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। देखिए, ये आपका हृदय है, तो हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, चार हिस्से इसके अंदर, बायां आलिंद और बायां निलय और दायां आलिंद और दायां निलय। ध्यान से समझिए, जहाँ पे आपको डॉट दिख रहा है अभी, ये बायां आलिंद है, इसके नीचे वाला हिस्सा बायां निलय है, इस तरफ आपका दायां आलिंद है और इस तरफ नीचे दायां निलय है। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका होता है, हम मान लेते हैं कि ऊपर फेफड़े हैं, फ लिख रहा हूँ मैं, और नीचे शरीर है तो श लिख रहा हूँ। यहाँ से जो खून निकलेगा वो जाएगा फेफड़ों से, आएगा यहाँ, यहाँ से गया नीचे, फिर शरीर में, शरीर से आया यहाँ ऊपर, फिर नीचे, और फिर गया वापस फेफड़ों में। तो खून इस तरीके से बहता है। अब ये डायग्राम अगर आपको याद रहेगा, वैसे तो मैं एक दूसरा डायग्राम आज शाम तक अपलोड करूँगा हार्ट का, हृदय का, जिसके अंदर पूरा दोहरा परिसंचरण समझाया हुआ होगा, पर अक्सर आप लोग सिर्फ वर्कशीट ही देखते हैं और आप कुछ नहीं देखते हैं, वो मैं समझ गया हूँ कि आप सिर्फ वर्कशीट देख के और फटाफट अपना काम कंप्लीट करके वीडियो वीडियो सब बंद कर देते हैं। तो यहाँ से जो आया, ऊपर से जो चीज़ें आई, आपके बाएं आलिंद से खून जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर वो जाता है पूरे शरीर में। शरीर में खून से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, खून के अंदर डाला जाता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जाता है आपके दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से जाता है वापस फेफड़ों में। फेफड़ों में वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, फेफड़े उसे वापस ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन के साथ फिर दोबारा वो जाता है अब आपके बाएं आलिंद में। यही चीज़ आपको यहाँ भी लिख रखी है कि फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं आलिंद में आता है, इसके संकुचित होने पर यह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है, यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों में जो विऑक्सीकृत रुधिर होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर होता है, वो दाएं आलिंद में आता है, इसके संकुचित होने पर यह दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है, यहाँ से रुधिर ऑक्सीजनीकरण हेतु फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। तो आगे देख लेते हैं, स्थिति अभी तो मैथ की वर्कशीट आ गई, आगे दूसरी तरफ देखते हैं। तो धमनी और शिरा, ये दो तरीके की रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, पाइप होते हैं हमारे शरीर में। धमनी जो होती है, ये बांटने का काम करती है, ये फेफड़ों से खून को, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन वाला खून आता है, ऑक्सीजन वाले खून को पूरे शरीर में ले जाती है, और पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को शिरा वापस लेके आती है। तो ये विऑक्सीजनीकृत रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती है। धमनी मोटी भित्ति वाली और लचीली होती है, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब के साथ निकलता है, जबकि शिरा जो होती है वो कम भित्ति वाली होती है और लचीली होती है। इसके अलावा धमनी में वॉल्व नहीं होता और शिरा में वॉल्व होता है, क्योंकि धमनी में तो खून प्रेशर के साथ जा रहा है ना, उच्च दाब के साथ, तो इसमें वॉल्व की ज़रूरत नहीं है, वॉल्व खून को पीछे वापस आने से रोकता है। धमनी की सतह ने जो धमनी होती है, ये बहुत नीचे पाई जाती है शरीर में, मतलब हमारे स्किन के हाथ के अंदर या पैरों के अंदर, मांसपेशियों में काफ़ी अंदर होती है, जबकि शिरा जो होती है वो ऊपर सतह पर होती है।
कोशिकाओं की बात करें तो इन विद्युत वाहिकाओं की एकल कोशिका भित्ति होती है और कोशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं। रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर बेटा, रुधिर में तीन तरीके के तत्व होते हैं, लाल रुधिर, प्लेटलेट्स और श्वेत रुधिर। लाल रुधिर जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रुधिर का थक्का बनाकर, आपको चोट लग जाएगी तो प्लेटलेट ही वहाँ पे वो काला काला जो पपड़ी लग जाती चोट के ऊपर वो बनाती हैं। और श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे पूरे शरीर को बचाती हैं इन्फेक्शन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जीव है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही प्लाज्मा हो गया, ये पीले रंग का तरल माध्यम होता है जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं। यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वज्र पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है, जिसको चीज़ों को हटाता है। और आखिरी है बेटा लसिका। तो लसिका एक उत्तल तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतः कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। तो इसका भी काम क्या होता है, शरीर में परिसंचरण का ही काम होता है। तो पहला है मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो बेटा ये चित्र यहाँ पे बना हुआ है, आपकी एनसीईआरटी की किताबों में भी बना है, अब तो आपको सपोर्ट मटेरियल मिल गया, उसके अंदर भी बना है। और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है जिसको कि आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, उसके अंदर भी आपको ये चित्र मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो बेटा धमनी और शिरा का अंतर आपके सामने है स्क्रीन पे। देखिए ये आ गया आपके सामने, धमनी और शिरा का अंतर। तो स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए धमनी और शिरा का अंतर, फटाफट कीजिए। चलिए मुझे लगता है कि धमनी और शिरा का अंतर आपने नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीन नोट डाउन करके। आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है कि रुधिर के अवयवों का कार्य बताइए। तो बेटा यहीं बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो रुधिर के अवयवों का कार्य आपको यहीं दिख रहा है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तीन अवयव आपको दिख रहे हैं, कणिकाएं, प्लेटलेट्स, कणिकाएं WBC और तरल माध्यम। ये जो हैं ये आपके रुधिर के विभिन्न अवयव हैं, रुधिर के विभिन्न हिस्से हैं, इनका काम आपको लिखना है, फटाफट लिख लीजिए। आपके सामने है उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपने नोट डाउन अब तक कर लिया होगा वरना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कारण बताइए धमनी की भित्ति मोटी होती है और शिराओं में वॉल्व नहीं होते। तो कारण बताओ जो कर लेते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर। चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपके सामने है कि धमनी की भित्ति मोटी होती है, उसका उत्तर ये, क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब पे आता है। तो ये आपका 4A हो गया। और रुधिर एक ही में दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वॉल्व होते हैं, ये आपका 4B हो गया। आपके सामने उत्तर 4AB और 4BB, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया है अब तक, करा नहीं है तो अभी भी कर लीजिए, कुछ पल का समय और है आपके पास। फिर पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और फिर मैथ्स की वर्कशीट की तरफ। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है लसिका क्या है। उत्तर बिल्कुल आपके सामने यहीं पे लिखा है, लसिका का आंसर ये वाला, थोड़ा बड़ा है लेकिन क्या करें, बड़ा है तो लिखना तो पड़ेगा ही, वैसे भी आप 10th क्लास में हैं, बड़े बच्चे बड़ा आंसर। तो लसिका का उत्तर आपके सामने है कि यह एक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकल कर अंतः कोशिकीय अवकाश में आ जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह है लेकिन रंगहीन है, और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। या उत्तक से प्रवाहित हो संवहन में और वह शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। तो लसिका एक तरीके से हमें बीमारियों से ही बचाता है, कर लीजिए नोट डाउन। बहुत बढ़िया बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक। तो आपकी आज की अगली वर्कशीट जो है वो मैथ्स की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ऊपर बोला है कि भैया हमको विभाजन सूत्र बताइए और मध्य बिंदु सूत्र बताइए, समझ रहे हैं। तो ये आपने अपने आप करना है, बहुत दिनों से मैं आपको वर्कशीट कराता हूँ रोज़, तो
तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ये सोच लीजिए कि आज मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूँ विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र लिखने के लिए। स्थिति एक में वो कहता है चतुर्भुज जैसे आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज में समलंब के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक ज्ञात करना। तो उन्होंने बताया है कि अलग अलग जो चतुर्भुज होते हैं वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, इसीलिए अगर आप मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस तरीके का चतुर्भुज है। इसको उन्होंने करने के लिए क्या किया कि इस तरीके से जो एक चतुर्भुज था उसके मध्य बिंदु निकाल लिए। हमने भी पिछली बार ये देखा था कि इसको करने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि अगर ए बी सी डी आपको चतुर्भुज दे रखा है तो आप ए बी निकालिए, दूरी जो दूरी सूत्र लगाकर ए बी निकालिए, फिर बी सी निकालिए, फिर सी डी निकालिए, फिर ए डी निकालिए। ऐसा निकालने पर आपको पता लग जाएगा कि चारों भुजाएँ बराबर हैं या आपस वाली आमने सामने वाली भुजाएँ बराबर हैं, और उन जो विकर्ण हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि एक फार्मूला अगर आपको पता है तो आपको ज़्यादा फार्मूले याद करने से अच्छा उस एक फार्मूले में मास्टरी करनी चाहिए, उसको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर है वृत्त का केंद्र त्रिज्या व व्यास के अंतिम बिंदु लंबाई मध्य बिंदु सूत्र और दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, वृत्त किसी भी गोले का वृत्त का मध्य बिंदु जो होता है वो उसके व्यास का बिल्कुल बीच का बिंदु होता है। जैसे ये आपको गोला यहाँ पर दिखी हुआ है, इस गोले में अगर आप देखोगे तो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ आएगा और ये इस गोले का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है। तो इसमें आप दूरी सूत्र का उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं, अलग अलग सूत्र से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर अगला है रेखाखंड को तीन समान भागों में बांटकर विभाजन सूत्र द्वारा निर्देशांक बिंदु निकालना। तो बेटा अगर तीन बराबर बिंदुओं में कट गया तो ध्यान से देखिए, अगर पी बिंदु को ध्यान दूँ तो पी बिंदु से इस तरफ एक हिस्सा, इस तरफ दो हिस्से, तो अनुपात लगेगा 1:2। और क्यू बिंदु की बात करूं तो क्यू बिंदु को अगर देखूं तो क्यू बिंदु के इस तरफ एक ही हिस्सा और इस तरफ दो हिस्से हैं, तो क्यू बिंदु जब निकालूंगा तो अनुपात लगेगा 2:1। इसी का इन्होंने उदाहरण दिया है। हम प्रश्न सीधा स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है ये तो सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, आज सिर्फ ये रिविजन है। तो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो सबसे पहले ये याद करते हैं कि समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है। समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो बराबर भुजाओं वाला चित्र बना लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले इसको करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा चित्र। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो चीज़ करी हमने इसका चित्र बनाया। आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आपको ए बी सी डी का चित्र अब दिखने लग गया होगा। एक बार हमारे सामने चित्र बन गया तो चित्र बनने के बाद फिर हम उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करते हैं, अब ए बी सी डी चार पॉइंट थे तो चारों दूरियाँ निकाली। पहले निकाला हमने ए बी, फिर निकाला हमने बी सी, फिर निकाला हमने सी डी और फिर निकाला हमने डी ए दूरी सूत्र लगाकर। और हमने देखा कि जो ए बी था, ए बी की दूरी आई 3 यूनिट। फार्मूला कौन सा लगाया, फार्मूला लिख लेता हूँ आपके सामने एक बार। फार्मूला लगाया हमने दूरी सूत्र डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वेयर प्लस y2 - y1 का स्क्वेयर। ये दूरी सूत्र मैंने लगाया और दूरी सूत्र जब ए बी में लगाया तो ए बी में लगाने पे देखिए मुझे क्या मिला, ए बी पे लगाने पे मुझे मिला 3 यूनिट। इसका आंसर ए बी का जो डिस्टेंस आया, दूरी आई, वो 3 यूनिट आई। बी सी आया अंडर रूट 2, सी डी आया अंडर रूट 9 यानी कि 3, और डी ए आया अंडर रूट 2। अब अगर ध्यान से देखूं तो बी सी और डी ए दोनों बराबर हैं और बी सी के बिल्कुल सामने वाली भुजा है डी ए, ऐसे ही ए बी के सामने वाली भुजा थी सी डी, तो ए बी का भी 3 और सी डी का भी 3। अब अगर बेटा आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, अगर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो गया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब पूरा सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पे कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें कहा गया कि यदि बिंदु P और Q बिंदु A, B ये दे रखे हैं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित हैं और ये तीन समान भागों में विभाजित करता है, यानी कि समद्विभाजित। अब ध्यान से देखिए आपके सामने A और B मैंने बना दिया, तो मैंने देखा A ये है, B ये है, लिख देता हूँ एक बार A B, क्योंकि तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, वरना ये A है
ये बी है। अब कई बच्चे कहेंगे सर दो दो बार चित्र क्यों बना दिया, तो ध्यान से देखिए दो बार चित्र इसलिए बनाया क्योंकि एक बार हम इस वाले बिंदु को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी बार इस वाले बिंदु को। फ़र्क क्या है, जब इस बिंदु को निकाल रहा हूँ तो अनुपात जो है वो 1:2 होगा क्योंकि इस तरफ एक हिस्सा है और इस तरफ देखो एक और ये दो लाइन के दो बराबर हिस्से हैं तो अनुपात 1:2 लग गया। जब इस बिंदु को सॉल्व किया तो इस तरफ दो पॉइंट थे और इस तरफ एक था तो अनुपात 2:1 लगा। तो अनुपात जो अलग अलग अनुपात थे उस अलग अलग अनुपात के कारण हमारा उत्तर भी अलग हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगता है, फॉर्मूला लगाया हमने विभाजन सूत्र। x का फॉर्मूला होता है m1x2+m2x1/m1+m2 और y का होता है m1y2+m2y1/m1+m2। x निकाला और फिर y निकाला, देखिए x आपके सामने है m1x2, m1 था 1, x2 था -7 तो 1 × -7 प्लस m2x1, m2 था 2, x1 है 2 तो 2 × 2 = 4 -7 + 4 और अपॉन m1 + m2 1 + 2 अपॉन में 3 तो -7 + 4 कितना होता है -1 -3 के अपॉन में 3 तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही y निकाला तो m1y2+m2y1 m1 1 और y2 4 तो 1 × 4 m2 2 और y1 -2 तो 2 × -2 -4 तो ये आ गया 4 - 4 अपॉन में m1 + m2 यानी कि 3, आंसर आ गया 0 क्योंकि 4 - 4 0 होता है। तो जो पहला आपका पॉइंट है ये हो गया -1 0। बेटा इसमें देखो a और b सेम है दोनों डायग्राम में, फ़र्क पड़ेगा तो xy, अगर xy यहाँ है तो रेशो 1:2 हो गया, xy यहाँ है तो रेशो 2:1 हो गया। अगली बार मैंने 2:1 लगा के आंसर निकाला तो आंसर आया -4 और 2। अगर मैं इन पॉइंट्स को कुछ मान लूँ, इसको सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट C है तो ये C आ गया, और इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट D है तो ये D आ गया। कर लीजिए नोट डाउन, फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 4P और 10 वृत्त का व्यास के अंत बिंदु हैं और वृत्त की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की का केंद्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मुश्किल है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं आमने सामने वाले और दूरी दे रखी है लेकिन पूछा है कि केंद्र क्या होगा, यानी आपको ये जो बीच का बिंदु है ये पूछा है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, ये आपको पूछा है तो सॉल्व करने का तरीका ये है। मैंने कहा भाई दूरी सूत्र लगा के पहले पी तो निकाल लूँ, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1² / y2 - y1 तो ये हो गया 1 - 4² और 0 - p² 1 - 4 - 3 और 0 - p, 3 * 9 और p² जो यहाँ अंडर रूट था क्योंकि दूरी 10 दे रखी है, अंडर रूट स्क्वायर हो गया 10² = 100। ये प्लस का 9 था यहाँ गया, -9 = p² तो p की वैल्यू आ गई √91। अब हमें पता है कि जो केंद्र का वृत्त का जो केंद्र होता है वो मध्य बिंदु होता है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा लिया, x = x1 + x2/2 y = y1 + y2/2 तो x की वैल्यू आ गई 4 + 1/2 यानी 5/2 और y आ गया √91 + 0/2 तो √91/2। ये आपके वृत्त के केंद्र के निर्देशांक आ गए x और y। कर लीजिए नोट डाउन फटाफट। चलिए अब अगली वर्कशीट देखते हैं, लास्ट वर्कशीट है तो हिंदी की वर्कशीट है आपकी। चैप्टर चल रहा था लखनवी अंदाज, अंतिम भाग यशपाल क्षितिज भाग 2। बच्चों जैसा कि आप जान चुके हैं लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नई कहानी में किसी घटना विचार या विषय की कहानी लिखी जाती है
लिखी जा सकती है। भाई किसी भी कहानी को लिखने के लिए आपको पात्र चाहिए, किसी भी कहानी को लिखने के लिए आपको कोई घटना चाहिए, कोई विचार चाहिए। आप कहानी लिखेंगे ना किसी चीज़ के बारे में तो लिखेंगे, बिना किसी चीज़ के बारे में तो आप कहानी लिख नहीं सकते हवा में। तो यही रीज़न, यही कारण है। आगे इस पाठ का एक अंश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांके की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास किया, खीरे की एक फांक उठाकर ओंटों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांके को खिड़की से बाहर उतार दिया, छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नमक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए, बिना विचार घटन। और प्रश्न पहला है बेटा, ये तो देखो उन्होंने बता दिया किस तरीके से उन्होंने किया। अब पहला प्रश्न है कि बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती, इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बेटा, बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि इसके आगे आप ऐसे लिखिएगा, क्योंकि जो कहानी होती है, कहानी किसी विषय या व्यक्ति पर लिखी जाती है, व्यक्ति पर लिखी जाती है। अब अगर कोई विचार ही नहीं होगा, समझ में, कोई विचार नहीं अगर व्यक्ति के मन में, तो वो कहानी किस चीज़ पर लिखेगा, लिख ही नहीं सकता। उत्तर आपके सामने है, पहला उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से मना क्यों कर दिया। तो भैया, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह पहले मना कर चुके थे, अब हाँ बोलना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना होगा। या तो हाँ बोलेंगे तो थोड़ा बेइज्जती भी हो जाएगी, अगला प्रश्न है तीसरा कि नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया और क्यों। तो क्या किया तो आपके सामने यहां लिखा हुआ है तीसरा, कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांक की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास किया, खीरे की एक फांक उठाकर ओंटों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांके को नमक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। क्यों फेंकते गए? क्योंकि नवाबी शौक है, उन्हें खाना नहीं था, लेकिन सिर्फ क्योंकि सब लोग खा रहे थे, बिक रहा था, तो उन्होंने ले लिया, समझ में। तो ये एक तरीके से उनका नवाबी शौक था, तो नवाबी शौक के कारण। बाकी आप और भी पॉइंट लिख सकते हैं, आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये उत्तर तो पहले लिख ही लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, अपने जीवन की स्मरणीय घटना पे आपको लिखना है, तो मेरे जीवन में तो बहुत सारी स्मरणीय घटना थी, लेकिन वो मेरे जीवन की हैं। इसमें आपको अपने जीवन की लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके जन्मदिन किस प्रकार आपने मनाया, कभी आपने किसी कुत्ते को या किसी जानवर को बचाया हो, कोई भी जो स्मरणीय घटना आपकी आप उसकी लिख सकते हैं। जैसे मेरे जीवन में एक बहुत स्मरणीय घटना घटी थी बचपन में। स्मरणीय घटना क्या घटी थी कि मैंने घर पे क्या किया, मेरे पास दो बैग हुआ करते थे, एक जो घर का था एक जो स्कूल का था। अब हुआ क्या एक बार कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में रहता था बचपन में, अरे मैं तो कभी गलती करता ही नहीं हूँ। हुआ क्या कि रात को बैग रखना होता था टाइम टेबल के हिसाब से अगले दिन के लिए। अब मैंने क्या किया कि गलती से जो स्कूल ले जाने वाला बैग था उसके अंदर सारी वो किताबें रख दी जो घर पे छोड़नी थी, और जो घर पे रखने वाला बैग था उसमें वो किताबें रख दी जो स्कूल ले जानी थी, मतलब उल्टा कर दिया, और अगले दिन बैग लेके स्कूल पहुंच गया। अब मैडम, इंग्लिश वाली मैडम ने इंग्लिश का काम मांगा, मेरे पास कॉपी ही नहीं। हिंदी वाली मैडम ने हिंदी का काम मांगा, मेरे पास कॉपी ही नहीं। पूरा दिन बीत गया, एक सब्जेक्ट की कॉपी नहीं, एक बुक नहीं। इतनी डांट पड़ी हर क्लास में इतनी डांट पड़ी कि उस दिन के बाद मैं दो बार चेक करता हूँ अपना बैग रखने के बाद। आज भी अगर कभी बैग कहीं पैक करता हूँ कहीं ले जाने के लिए, स्कूल आने के लिए, तो मैं पहले चेक करता हूँ कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं रख दिया। तो जबकि मैं टीचर हूँ फिर भी चेक करता हूँ, समझ में। तो ये मेरे जीवन की घटना थी, आप अपने जीवन की घटना लिखिए। चलिए बच्चे, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।